सो हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सर्च करने जा रहे हैं फ्री फायर के ओल्ड प्लेयर्स की यूआईडी इन 2022। और गाइस आज की वीडियो बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा 2017 का रोक एफएफ वर्सेस 2022 का रोक एफएफ। तो गाइस क्या आप लोग गेस कर सकते हो 2017 में रोक एफएफ कैसा होगा? क्या 2017 में भी बंदा ओनली हेडशॉट मारता था, या फिर उस टाइम पे ये बंदा एकदम नूबड़ा था, इसे खेलना भी नहीं आता था? तो गाइस ये तो पता चलेगा आज की इस वीडियो के अंदर। तो गाइस आप लोग वीडियो को एंड तक पूरा देखना। तो गाइस आज की वीडियो और भी ज्यादा मजेदार होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर जब मैं ऐसे प्लेयर्स की आईडी सर्च कर रहा था, तो उनमें से मुझे एक बंदे की आईडी ऐसी मिली जो कि उस टाइम में हमारे अमित भाई, मतलब कि हमारे देसी गेमर्स की गिल्ड में था। और सच में यार ये चीज देखकर मैं भी शॉक हो गया था कि अमित भाई की गिल्ड इतनी पुरानी है। तो गाइस क्या आप लोग गैस कर सकते हो वो बंदा कौन हो सकता है? और अगर आप लोग गैस नहीं भी कर पा रहे हो तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, आज की इस वीडियो के अंदर तो मैं आपको दिखाने वाला हूं। और गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो फ्री फायर का गेम प्ले दिखाऊंगा ना, वो इतना पुराना है, मतलब कि जब सीजन 1 का एलीट पास भी फ्री फायर में नहीं आया था, वो गेम प्ले तब का है। मतलब कि आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग तब के प्लेयर्स की आईडी सर्च करने वाले हैं और देखने वाले हैं अभी के टाइम में वो बंदे फ्री फायर को खेलते हैं, और अगर हां तो उनके पास कौन कौन से रेयर बंडल्स हैं। उनके पास रेड क्रिमिनल बंडल, हिप हॉप बंडल, सकुरा बंडल, या फिर कोई रेयर बंडल है, या फिर उन लोगों ने फ्री फायर को बस मजे के लिए डाउनलोड करा था, दो चार दिन गेम को खेला और डिलीट कर दिया। और सच में गाइस 2017 में आप लोग किसी बंदे को देखने बाद ये नहीं बोल सकते वो 2022 के अंदर कैसा होने वाला है, क्योंकि जो भी बंदे 2017 में नूब थे अभी आपको उनके पास रेड क्रिमिनल बंडल, हिप हॉप बंडल जैसे रेयर बंडल देखने को मिलेंगे, और उनका लेवल भी इतना ज्यादा हो चुका है कि सब देखने बाद आपको अपनी आंखों पर बिलीव नहीं होगा। तभी तो बोल रहा हूं आप लोग वीडियो को एंड तक पूरा देखना। सो आओ यार अपने इस वीडियो को हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं, लेकिन यार उससे पहले मैं जानता हूं आज की वीडियो आपको 100% पसंद आने वाली है, तो गाइस इसी बात पर आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। और देखो हमारे 2 मिलियन भी भाई करीब आ चुके हैं, तो समझ रहा हूं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, दबा दो भाई उसे, दबा दो। मैं जानता हूं इस वीडियो को जितने भी बंदे देख रहे हैं उनमें से 70% बंदों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करा, तो जल्दी से वो जो सब्सक्राइब का बटन है भाई उसे ठोक दो, चप्पल मारो, कुछ भी करो, बस वो जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है ना वो ग्रे हो जाना चाहिए। और हां सबसे मेन चीज तो आप लोग करते ही नहीं हो, जो कि ये बेल आइकन को ऑल पे सेट करना, तो भाई वो जो बेल आइकन है उसे भी ऑल पे सेट कर दो यार। तो गाइस आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लिप नंबर 1 के साथ। तो गाइस यहां पर आप लोग देख सकते हो ये गेम प्ले इतना पुराना है, फ्री फायर के अंदर सीजन 1 का एलीट पास भी नहीं आया था, और देख सकते हो उस टाइम हमारा फ्री फायर कुछ ऐसा दिखता था। अब देखो यहां पर जो सीजन 1 वाला बंदा था भाई ऐसे ओपन में मेडिकेट मार रहा था, तो सामने से एक बंदा आया उसे पूरा फिनिश कर दिया। तो गाइस अभी हमें मिल चुकी है इनकी टीममेट की आईडी जिसका नाम था अरन, और देख सकते हो बंदे का लेवल सिर्फ 13 था, क्योंकि यार उस टाइम पे फ्री फायर को हर बंदे ने नए नए डाउनलोड करा था, और उस टाइम पे फ्री फायर का हर एक बंदा नूब था। तो चलो गाइस हम लोग इस बंदे की आईडी जल्दी से कॉपी कर लेते हैं और चलते गेम के अंदर। तो गाइस यहां पर आप लोग देख सकते हो बंदे की आईडी मैंने सर्च कर दी है, और गाइस यहां पर हमें देखने को मिलता है कि इस बंदे ने फ्री फायर को क्विट कर दिया। चलो मैं यहां पर आईडी ओपन कर लेता हूं, फिर देखता हूं आईडी के अंदर क्या क्या है। तो यहां पर देख सकते हो 28 लेवल बंदे ने करा था और सिर्फ 1 लाइक, भाई मतलब इतना कम लाइक किसे मिलता है? लगता है इस बंदे को यही बात इतनी बुरी लग गई होगी कि इस बंदे ने फ्री फायर को क्विट कर दिया। खैर ये तो सिर्फ मजाक की बात है, हो सकता है इस बंदे को कुछ काम हो, या फिर इसका फ्री फायर में इंटरेस्ट खत्म हो गया, जिसकी वजह से इस बंदे ने फ्री फायर को क्विट कर दिया। इस बंदे ने फ्री फायर को लगभग 3 या फिर 4 महीने खेला था, क्योंकि आप देख सकते हो इस बंदे के पास सीजन 1, 2, 3 के बैजेस हैं, लेकिन भाई बंदे ने परचेस कुछ नहीं करा। लगता है इस बंदे ने फ्री फायर को बस मजे के लिए डाउनलोड करा था। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हमारे सेकंड क्लिप की ओर। तो गाइस यहां पर आप लोग देख सकते हो ये बंदा सामने की तरफ में जा रहा था, और जो सामने की तरफ में एनिमी था भाई वो बंदा टेलीपोर्ट हो रहा था। उस टाइम पे फ्री फायर में हैकर्स होते थे क्या? अब शायद ये बंदा हैकर तो नहीं, इस बंदे का कोई ग्लिच हो गया होगा। तो देख सकते हो यहां पर सामने वाले बंदे ने इसको नॉक कर दिया है और हेडशॉट मारकर पूरा फिनिश कर दिया। तो गाइस अब यहां पर हमें मिली है इस बंदे की एक टीममेट की आईडी जिसका नाम था 123 एमएनएम, जिसका लेवल 44 था। अभी आप लोग सोचोगे भाई 44 लेवल ज्यादा थोड़ी होता है, लेकिन यार उस टाइम के हिसाब से तो बहुत ज्यादा था। तो गाइस यहां पर मैं आईडी को जल्दी से कॉपी कर लेता हूं, फिर हम लोग चलते हैं गेम के अंदर। तो गाइस आईडी को मैंने सर्च कर लिया, और यहां पर जिस बंदे की आईडी निकल कर आती है उस बंदे का नाम है एमआई, और देख सकते हो इस बंदे ने गेम को क्विट नहीं करा, ये बंदा अभी तक गेम में ऑनलाइन है। सो चलो हम लोग आईडी ओपन करके देखते हैं, और देखते हैं इस बंदे की आईडी में क्या क्या रेयर होगा। तो गाइस यहां पर जो सबसे पहली मुझे रेयर चीज देखने को मिली है वो है इस बंदे की ग्रिफिन M4A1, जो कि यार वैसे तो फ्री में मिलती थी लेकिन है तब भी बहुत रेयर। और सेकंड चीज यहां पर इस बंदे का जो शर्ट है वो है सीजन 3 के हीरोइक का, जो कि बहुत ज्यादा रेयर है। आप लोग बिलीव नहीं करोगे सीजन 2 और 3 के हीरोइक की हर चीज हिप हॉप बंडल और क्रिमिनल बंडल से भी रेयर है, क्योंकि ये चीजें बहुत ही कम बंदों के पास है। सो आईडी अगर आप लोग देखना चाहो तो देख सकते हो, 79 लेवल है, 35,000 लाइक्स है, और बीआर रैंक में ये बंदा हीरोइक पर और सीएस रैंक में मास्टर पर। गाइस अभी हम लोग देख लेते हैं हमारा क्लिप नंबर 3। तो यहां पर देख सकते हो इस बंदे ने अपने टीममेट को रिवाइव दिया और ये दोनों ही आ गए स्पीक के घर के अंदर। और भाई देखो सामने की तरफ में फॉर्ड है, जितने भी फ्री फायर के पुराने प्लेयर्स वीडियो को देख रहे हैं और उस टाइम पे जिसके पास फॉर्ड होता था हम लोग उसको प्रो मान लिया करते थे। और इन वीडियोस को देख के ना मुझे फ्री फायर के पुराने दिनों की याद आ जाती है, जब मैंने फ्री फायर को पहली बार डाउनलोड करा था। एनीवेज हम लोग बहुत ज्यादा ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, अभी हम लोग आ जाते हैं अपने मेन वीडियो की ओर। तो गाइस यहां पर देखो इनका एक टीममेट था जिसका नाम था लूसीफर, जिसका लेवल 7 था, और ये बंदा अपने टीममेट से भाई कितना दूर है। इस बंदे के सारे टीममेट पीक पर हैं और ये बंदा उनसे इतना दूर है। शायद इस बंदे को देखकर आपको लग रहा होगा ये बंदा तो बहुत ही नूब है, इसके पास कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन गाइस आप लोग याद रखना ये क्लिप था 2017 का। जब सेम इसी आईडी को हम लोग 2022 के अंदर सर्च करते हैं तो गाइस यहां पर आपको 60 लेवल की आईडी देखने को मिलेगी, जो कि करंटली तो ऑफलाइन है, लेकिन गाइस इस आईडी के अंदर एक बहुत ही रेयर बंडल है जो कि हमारा येलो क्रिमिनल बंडल, जो कि आप ऐसे बहुत सारे बंदों का फेवरेट बंडल होगा। अब देखो बहुत टाइम बाद हमारे किसी वीडियो के अंदर क्रिमिनल बंडल देखने को मिला है, तो गाइस इसी बात पर आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। तो देख सकते हो बंदे का लेवल उस टाइम पे भी कम था और अभी भी बहुत ही कम है, क्योंकि इस बंदे ने बीच में फ्री फायर को क्विट कर दिया था और ये बंदा वापस से गेम के अंदर आया और फ्री फायर को दोबारा से क्विट कर दिया। अब यार मेरी एक चीज समझ में नहीं आती, आखिरकार इतनी रेयर आईडीज होने के बाद भी कोई बंदा फ्री फायर को क्विट कैसे कर सकता है? भाई पीली टट्टी अगर तुझे गेम छोड़कर जाना ही था, कम से कम
अपनी आईडी मुझे देकर चला जाता, कम से कम ये येलो क्रिमिनल बंडल से मैं अपने दोस्तों को चिढ़ा सकता था। प्यारी समझ गई। तो गाइस यहाँ पर रहा अपना फोर्थ क्लिप। तो गाइस अभी हम लोग देख लेते हैं फ्री फायर का मतलब लगभग 3 साल पुराना गेम प्ले। अभी तक जो मैं आपको गेम प्ले दिखा रहा था वो था 4 साल पुराना, लेकिन ये गेम प्ले 2018 का, मतलब ये लगभग 3 साल पुराना। तो गाइस देख सकते हो बिलास भाई का पुराना लाइव स्ट्रीम है, तो यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही प्रो स्क्वाड आई थी जिन्होंने इनके पूरे स्क्वाड को मार दिया, और उनमें से एक बंदा था उसका गेम प्ले बहुत खतरनाक था, जो कि था ये बंदा। तो गाइस हम लोग जल्दी से इस बंदे की आईडी सर्च कर लेते हैं। और गाइस जैसे मैं आईडी सर्च करता हूँ तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा पहले इस बंदे का नाम था नितिन, लेकिन अभी हो चुका है आरबीएल ऋषि। और ये बंदा भी कुछ मिनट पहले गेम में ऑनलाइन था, मतलब ये बंदा अभी तक गेम में एक्टिव है। लेकिन आईडी ओपन करते ही पता चलता है ये बंदा फ्री फायर को बहुत ही कम खेलता है, क्योंकि देख सकते हो बंदे का लेवल भी बहुत कम रह गया। इसके साथ साथ बंदे का जो बैजेस हैं वो भी बहुत कम है, कभी 78 तो कभी 120 और कभी कभी तो उससे भी कम। वैसे यार जैसी वीडियोस मैं बनाता हूँ ना उनको देखकर पता चलता है फ्री फायर के जितने पुराने प्लेयर्स थे ना वो बंदे धीरे धीरे फ्री फायर को क्विट करते जा रहे हैं। तो सच में यार ये चीज देखकर भी काफी बुरा लगता है। गाइस आप लोग फ्री फायर को दिन में कितना घंटे खेलते हो आप लोग कमेंट करके बताओ। तो गाइस अभी हम लोग देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्लिप। तो गाइस यहां पर आप लोग देख सकते हो ये बंदा नॉक हो चुका है, और देखते हैं यहां पर हमें किसकी आईडी मिलने वाली है। जाहिर सी बात है इनके टीममेट की आईडी मिलेगी, लेकिन चलो देखते हैं इनके टीममेट की आईडी कैसी होगी। तो गाइस यहां पर आप लोग देख सकते हो इस बंदे का नाम था मिस्टर वेनम। और गाइस इस बंदे का आप लोग एक बार गिल्ड देखो, यहां पर जिस बंदे का गिल्ड का नाम है वो है सर्वाइवर्स। और गाइस अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं अमित भाई का जो गिल्ड है उसका नाम सर्वाइवर्स है, और ये गिल्ड एकदम असली वाला सर्वाइवर्स है, क्योंकि उस टाइम पे सर्वाइवर्स ज्यादा फेमस गिल्ड नहीं था, तो यार कोई बंदा कॉपी क्यों करता। और नेम भी देख सकते हो एकदम एग्जैक्ट सेम था। सो चलो आईडी को एक बार सर्च करके देख लेते हैं, क्या पता आईडी के अंदर कुछ खास देखने को मिल जाए। तो जैसे मैं आईडी सर्च करता हूं तो यहां पर आपको देखने मिलेगा इस बंदे का लेवल था 60, और ये बंदा बहुत टाइम से गेम में ऑफलाइन है। और जैसे मैं आईडी ओपन करता हूं तो गाइस यहां पर आपको देखने मिलेगा जो क्लिप मैंने आपको 2017 वाला दिखाया था, उस क्लिप में ये बंदा जो ड्रेस पहना हुआ था ये बंदा अभी सेम वैसी ड्रेस पहना हुआ है। और देख सकते हो जो पुराना वाला क्लिप दिखाया था उसके अंदर जो बैजेस थे सेम वही बैजेस हैं, मतलब जिस टाइम का मैंने आपको क्लिप दिखाया था उसके कुछ टाइम बाद ही इस बंदे ने फ्री फायर को या तो क्विट कर दिया था, या फिर हो सकता है इस बंदे की आईडी बैन हो गई। और गाइस यहां पर आप लोग देख सकते हो इस बंदे का जो बैनर है वो है सीजन 1 के एलाइट पास का, मतलब इस बंदे के पास हमारे फ्री फायर का सबसे रेयर एलाइट पास है। तो गाइस आप लोग बताना आपको इस बंदे की आईडी कैसे लगी। अभी हम लोग बढ़ते हमारी नेक्स्ट आईडी की ओर। तो गाइस यहां पर आप लोग देख सकते हो हमारा नेक्स्ट क्लिप, यहां पर इस बंदे ने एक बंदे को नॉक करा, लेकिन यार सामने की तरफ से एक बंदा आया जिसने इस बंदे को नॉक कर दिया, और उस बंदे ने अपने टीममेट को तो रिवाइव दिया लेकिन इसके साथ साथ इसको भी पूरा फिनिश कर दिया। तो गाइस अभी हम लोग देख लेते हैं हमें यहाँ पर इनके किस टीममेट की आईडी मिलने वाली है। यहाँ पर देख सकते हो सामने वाले बंदे ने पूरा किल कर दिया, और गाइस अभी हमें जिस बंदे की आईडी मिली है उसके पास ये समुराई वाला बंडल जो कि हमारे इंक्यूबेटर के अंदर आया था, और इसके अलावा जो ड्रेस है वो तो रैंक टोकन वाला है। तो चलो गाइस इस बंदे की आईडी मैं जल्दी से कॉपी कर लेता हूँ, फिर हम लोग चलते हैं गेम के अंदर। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बंदे की आईडी सर्च कर दिया, और ये बंदा 5 दिन पहले गेम के अंदर ऑनलाइन भी था। तो चलो आईडी ओपन करके देखते हैं इस बंदे की आईडी में क्या कुछ रेयर होगा। तो गाइस जैसे मैं आईडी ओपन करता हूँ तो गाइस यहाँ पर आपको देखने मिलेगा इस बंदे के पास रेड क्रिमिनल बंडल, जो कि हमारे इंडियन सर्वर में बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, उसके साथ साथ बहुत सारे बंदों का फेवरेट बंडल भी है। और वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों से बोला था आजकल क्रिमिनल बंडल बहुत कम देखने मिल रहा है, लेकिन यार आज की वीडियो में तो 2-2 क्रिमिनल देखने को मिल गए। तो बंदे की आईडी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 58 लेवल है, उसके सामने 2600 लाइक्स है, और बैजेस देखकर साफ पता चल रहा है ये बंदा फ्री फायर को बहुत ही कम खेलता है, क्योंकि देख सकते हो यहाँ पर कभी 5 बैजेस है कभी 6 बैजेस है, और शायद ये बंदा भी फ्री फायर को क्विट कर चुका है। तो गाइस यहाँ तक तो हम लोगों ने बात कर ली नॉर्मल प्लेयर्स की। तो गाइस अभी बारी आती है उस बंदे की जिसके लिए आप लोग वीडियो में शायद अभी तक बने हुए हो। तो गाइस मैं बात कर रहा हूँ रोक एफएफ की। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो रोक एफएफ का बहुत ही पुराना गेम प्ले। तो गाइस ये गेम प्ले उस टाइम का है जब ये बंदा ग्लोबल टॉप 1 पे था, उस टाइम पे चल रहा था फ्री फायर का सीजन 7। तो गाइस बात कर लेगा उस टाइम के गेम प्ले की। तो गाइस उस टाइम ये बंदा नॉर्मल ड्रैग शॉट या फिर वन टैप हेडशॉट तो नहीं मारता था, लेकिन ये बंदा सिटअप हेडशॉट बहुत ही बढ़िया मारता था, जैसे कि आप लोग बैकग्राउंड के अंदर गेम प्ले देख सकते हो। तो गाइस ये गेम प्ले इसी बंदे का है, और देख सकते हो बंदा सिटअप हेडशॉट कितने अच्छे मारता है। उसके अलावा ये बंदा उस टाइम पे लॉन्चर बहुत ज्यादा चलाता था। और गाइस ये वाला क्लिप देखकर आप लोग सोचोगे भाई ये बंदा हैकर है क्या जो आसमान में उड़ गया था, लेकिन फ्री फायर के जितने पुराने प्लेयर्स हैं उन सबको ये बात याद होगी पहले फ्री फायर के अंदर एक ग्लिच आया था जिसकी वजह से हम लोग ऐसे उड़ जाया करते थे, और इस ट्रिक की मदद से यार मैं तो फैक्ट्री पे चढ़ता था। आप लोग बताना आप लोग कहां पर जाते थे। तो गाइस ये तो बात हो गई रोक एफएफ के पुराने गेम प्ले की, अभी हम लोग देख लेते हैं इस बंदे का नया गेम प्ले। तो गाइस यहां पर आप लोग देख सकते हो इस बंदे का अभी का गेम प्ले। तो गाइस अभी तो ये बंदा बहुत ही अच्छे वन टैप हेडशॉट मारता है, कुछ टाइम पहले तक ऐसा था इस बंदे की वीडियो में कोई भी बॉडी शॉट देखने को तो मिलता ही नहीं था, सीधा हेडशॉट, और इसी वजह से ये बंदा बहुत ज्यादा फेमस भी हो गया था। वैसे गाइस इस बंदे को बहुत सारे लोग हैकर बोलते हैं, अब देखो मैं ये तो कंफर्म नहीं हूं कि ये बंदा हैकर है या फिर नहीं, लेकिन गेम प्ले के अलावा भी इस बंदे का जो एडिटिंग स्टाइल है ना वो भी बहुत यूनिक है। तो गाइस आप लोग बताना आपको रोक एफएफ का गेम प्ले कैसा लगता है। तो चलो गाइस आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, उम्मीद आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइस अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करना, और भी ज्यादा पसंद आई तो सब्सक्राइब भी कर देना, और मैं मिलता हूं तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।